स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो मैं सपोर्ट वाले आप लोगों को बताता रहता हूँ कि न्यू चैनल आइडियाज, आज एक ऐसे न्यू आइडियाज के बारे में बताऊंगा जो कि हालांकि मेरे हिसाब से अभी यूट्यूब पर बहुत कम क्रिएटर्स बताए होंगे, ठीक है। और थंबनेल देख के तो मान लो समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा गला ख़राब है लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैं बात करने वाला हूँ हॉरर, भूतिया, चुड़ैल, ऐसी कहानियों के बारे में कि जो हम लोग बना सकते हैं, अगर हम लोग अकेले भी हैं तब भी और ग्रुप के साथ में तब भी। दो तीन तीन टॉपिक, मतलब हॉरर में ही मैं तीन टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, तीन टॉपिक बताऊँगा, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना हो उस टॉपिक पे आप अपना वीडियो बना सकते हैं, है ना। तो पहला जो है वो है अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, अगर मतलब अकेले हैं, कोई दोस्त यार नहीं है आपके पास, मतलब साथ में वीडियो बनाने के लिए, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक्सप्लेन कर सकते हैं हॉरर स्टोरी को, जो भूत वाली कहानी है, चाहे बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, टॉलीवुड में हो, भोजपुरी, साउथ, बॉलीवुड, हिंदी फिल्में जो भी हैं, इनकी जो अपना क्या बोलते हैं स्टोरी होती है, इनकी स्टोरी आप उठा सकते हो और उसके पीछे पीठ पीछे वॉइस ओवर, समझ रहे हो ना, वॉइस ओवर करके डाल सकते हो। और एक और वीडियो नहीं यूज करना अपना, अपना वीडियो नहीं, आप जो है फ़ोटो यूज कर सकते हैं। फ़ोटो कहाँ से उठाएंगे, गूगल से उठा सकते हैं, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे फ़ोटो आप लगा सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी आप लोगों को बता दूंगा। इमेज सर्च मैन करके एक ऐप आता है, प्ले स्टोर पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। वो ऐप से आप लोग जो भी सर्च करेंगे ना, वो ऐप, अगर वो ऐप में आप सर्चिंग पे जाएंगे वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। पीछे पर्दा कितना ख़राब लग रहा है ना, सीढ़ियों पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो दूसरा ये हो गया कि आप बड़ी बड़ी फिल्मों को मतलब एक्सप्लेन समझ लो कि मूवी एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उस हिसाब से एक्सप्लेन भी समझ सकते हैं। और दूसरा क्या है ना, मतलब ये पहला वाला समझ में आ गया ना आपको कि बड़ी बड़ी फिल्मों में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको पीछे, भाई अब मालूम कैसे करना है, अब ये पीछे से भूत आ रहा है, अचानक से दरवाज़ा खुल गया, अब क्या होगा, एक सस्पेंस मतलब क्रिएट करिए, ठीक है। और दूसरा कैसा है ना, मैं इधर लगा देता हूँ साइड में स्क्रीनशॉट, चाहे इधर लगा दूँ चाहे इधर लगा दूँ, इनके चैनल पे एक बार विजिट करके आप लोग देखिए जाके कि ये लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन करने पे आऊँगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ आइडियाज दे रहा हूँ कि आप लोग इस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप वाला मतलब कैसे कि जैसे अब मान लो चार पांच दोस्त हैं और मिल के बोल रहे हैं, वो पहले से ही मतलब कास्ट कर लेते हैं अपने आप को कि तुम भूत बनोगे और तुमको डरना है, तुमको ये करना है, तुमको पीछे से आना है, कास्टिंग मतलब इस हिसाब से कि तुम वहाँ से आओगे भूत बन के और मैं डर जाऊंगा अचानक से। ये अगर दोस्त हैं आपके साथ में तो इस टाइप वाला भी वीडियो आप बना सकते हैं, ठीक है, कास्ट कर सकते हैं लोगों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो भी मतलब काम करना चाहते हैं आपके साथ, इस टाइप का वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक हो गया, मतलब इस हॉरर स्टोरी जो वीडियो बनाते हैं इसमें तीन टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला बता दिया कि एक्सप्लेन करने वाला, और दूसरा बता दिया मैंने कि दोस्त यारों के साथ में आप अपने हिसाब से उस टाइप का वीडियो क्रिएट कर सकते हैं कि जिसे आजकल की गांव की पब्लिक, अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत बेस्ट है। मैं भी गांव में ही रहता हूं, ठीक है, और मैं भी सोच रहा हूं मुझे अगर दो चार दोस्त मिल जाएं तो मैं भी ये बनाना चालू कर दूं, क्योंकि इस तरह के वीडियो ना बहुत चलते हैं, लोग बहुत देखना पसंद करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कहीं जंगल में चले जाओ, गाँव में कैसा रहता है, खेत हैं, नदियाँ हैं, नहर हैं, नाले हैं, है ना, तो वहाँ पे चले जाओ अपना शाम के समय, वही 4-5 बजे, और आपस में बोल दो सफ़ेद कपड़े ले लो, चश्मा ले लो, बड़े बड़े बाल वाले वो आते हैं लोकल वाले वो ले लो, और जैसे ही थोड़ा सा अंधेला होने लगे अपना कैमरा है, मोबाइल है, जो भी है वो चालू करके आप वहाँ पे वीडियो बना सकते हैं 4-5 लोगों के साथ में, कभी वो कैमरा पकड़ लिया, कभी तुम कैमरा पकड़ लिए, ठीक, इस तरह के वीडियो बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं भी चालू करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है ये वाले चैनल पे जिस पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, है ना। बाकी ठीक है, मेहनत करते रहेंगे, छोड़ेंगे तो है ही नहीं भाई, है ना, करते रहेंगे मेहनत, कभी ना कभी तो
सक्सेस होगा ही, ठीक। और तीसरा क्या बताने जा रहा था मैं कि आप लोग गूगल से स्टोरी उठाइए, मतलब तीसरा पहले वाला हो गया था कि आप किसी मूवी का वॉइस ओवर करके पीछे और वहाँ के फोटोज, इमेज सर्च में एप्लीकेशन बताया आप लोगों को, उसमें से फ़ोटो उठा के वहाँ पे डालिए और बोलिए, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा, दूसरा बता दिए दोस्तों के साथ वाला, तीसरा ये वाला करिए कि मान के चलो जैसे कि गूगल पे स्टोरी पड़ी होती है, वहाँ पे आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए चुड़ैल की कहानी या भूखा भूत, तो बहुत ऐसी स्टोरी पड़ी है गूगल में, वहाँ से आप लोग उसको कॉपी कर लीजिए वहाँ से गूगल से, और इमेज सर्च में इसमें भी जाइए, इसमें भी वॉइस ओवर करना है लेकिन अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से, यानी स्क्रिप्ट होती है तो हम लोग एकदम साफ सटीक तरीके से बोलते हैं, इधर उधर नहीं जाता बोलते समय। अब मान के चलो कैसे कि जैसे अब खुद से कहानी भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम अपने नाना के घर गए थे, वहाँ पे सब लोग खेत चले गए थे, ठीक। और उसके बाद मतलब ये मैं एक बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, या फिर कहीं से स्टोरी ले रहे हो तो उसमें थोड़ा सा अदल बदल भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम गए अपने नाना के यहाँ, सारे सारे लोग खेत चले गए, मैं अकेले बचा, अचानक से दरवाज़ा बंद हुआ धड़ाम, समझ रहे। मैंने उठ के देखा जाके तो वहाँ पे कोई नहीं, लेकिन मैं डर गया, मतलब ऐसे इस प्रकार से वॉइस ओवर कर सकते हैं, और फोटोज वही वाली लगा दो और एडिटिंग के टाइम पे चलते रहने दो धीरे 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 आगे पीछे करके। और हाँ, इसमें साउंड भी चाहिए होएगा आपको तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, और उसके बाद बताइए, मैं इसमें एडिटिंग और साउंड जो जो भी इसमें मटेरियल लगेंगे मैं आपको ला के दे दूँगा, या फिर मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत मुझे भी करनी पड़ेगी, और अगर आप लोग भी चालू करने जा रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो इस प्रकार जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, कर सकते हैं। और ये अभी मतलब बहुत इसमें कंपटीशन कम है, समझ रहे हो ना, इसमें कंपटीशन अभी बहुत कम है, तो आप लोग भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है, बाकी अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर दूंगा, अभी घर आया हुआ हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।